अब अपना टॉपिक है अरहेनियस इक्वेशन। आई होप सबको अच्छे से एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का फिनोमिना समझ आ गया होगा, उनका डेफिनेशन समझ आ गया होगा और किस प्रोसेस के साथ वो कैसे रिलेट करेंगे ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अरहेनियस इक्वेशन पे। तो देखो, उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमने पिछली क्लासेस में ये देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर राइज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट वो इंक्रीज डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन कि किस रिएक्शन के लिए कितना इंक्रीज करेगा या किस रिएक्शन के लिए वो कितना चेंज करता है, ठीक है। बट जनरल एक फिनोमेना, जनरल ऐसे एक स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने कि जब भी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2-fold या 3-fold इंक्रीज हो जाता है। ये जनरल जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी। अब ऐसे ही टेम्परेचर और रेट के डिपेंडेंस हमने और भी देखी, और भी एक्सपेरिमेंट्स करे गए। तो उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो अरहेनियस ने करा था, और अरहेनियस ने एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन दे दी एक्टिवेशन एनर्जी की, टेम्परेचर की और रेट, इन सबसे रेट कॉन्स्टेंट इन सबसे रिलेटेबल, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन देखेंगे। तो अरहेनियस ने क्या इक्वेशन दी थी रेट कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर से रिलेटेड। अरहेनियस ने इक्वेशन दी दैट के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन दी थी अरहेनियस ने। अब देखो इस इक्वेशन में क्या चीज किसको डिनोट कर रही है। अगर हम के की बात करें तो के क्या होगा, अपना रेट कांस्टेंट। के होगा यहाँ पे रेट कांस्टेंट। अगर हम ए की बात करते हैं तो इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी बोला जाता है, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ये होगा प्री एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट, या फिर इसको अरहेनियस फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अरहेनियस फैक्टर। अब आते हैं ई पे। ई का सबको पता होगा, एक्सपोनेंशियल को डिनोट करते हैं ई से। इसके बाद आते हैं ई ए पे। ई ए क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या होगा, गैस कांस्टेंट। और टी क्या होगा, टेम्परेचर, ठीक है। ये टर्म्स हम इनमें यूज करते हैं। ये टर्म्स हम इनमें यूज करते हैं, जैसे रेट कांस्टेंट के होता है, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर अरहेनियस फैक्टर होता है, ई एक्टिवेशन एनर्जी रहती है, आर गैस कांस्टेंट रहता है और टी होता है अपना टेम्परेचर। और ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन अरहेनियस इक्वेशन थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको पढ़ा जब एग्जाम्स वगैरह में भी पूछी जाती है। अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम ये बोल दें कि दोनों तरफ ले लिया हमने लॉग, तो दोनों तरफ लॉग लेने पे यहाँ इक्वेशन क्या आ गई, लॉग नेचुरल के इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल ए डॉट ई ए अपॉन आर टी। ऐसा कुछ सिनेरियो रहा, लॉग एम इंटू एन, तो वो हो जाता है लॉग एम प्लस एन। आगे फर्दर सोल्व कर दें तो ये क्या आ गया, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए प्लस एल एन ई माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। ये आ गया। और ये चीज भी बहुत अच्छे से क्लियर रहे कि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वो कैंसिल आउट करने पे इक्वेशन क्या आ गई अपनी, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। लॉग नेचुरल को अगर हम लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करें तो वहां पे 2.303 कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करी जाती है, तो यहां भी कर दें क्या आ जाएगा, 2.303 लॉग के 2.303 लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। ये आ गई। अब यहाँ भी 2.303, इधर भी 2.303, तो क्यों ना हम इधर ऐसे डिवाइड में करके सबको कैंसिल ही कर दें, तो इक्वेशन अपनी फाइनली क्या आ जाएगी, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये अपने पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है लॉग के लिए, ए के लिए और टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो ये
टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंस को बताता है। वैसे तो हमने पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। अब इस इक्वेशन से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, देखो दिखने पे ऐसा लग रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बट ये नेगेटिव का भी तो सिंबल है इसके आगे। अब ये अगर नेगेटिव, अगर ये बढ़ेगा तो ये नेगेटिव इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, उतना ही कम कर देगा, उतना ही कम करेगा तो रेट कॉन्स्टेंट भी कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर को अगर कम करेंगे तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये होती है अपनी अरहीनियस इक्वेशन। ये भी अरहीनियस इक्वेशन है, ये भी अरहीनियस इक्वेशन है, बट ये इक्वेशन कब आई, जब हमने उसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करे, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में लिखा तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखो इसको अगर हम आगे, तो हो गई जब हम एक ही तरह का रिएक्टेंट ले रहे थे सिर्फ एक ही इक्वेशन के लिए। अगर हम ऐसा कर दें कि हम कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं, हमने पहली कंडीशन अज्यूम करी यहाँ पे, इफ टेम्परेचर इज T1 देन रेट कॉन्स्टेंट मान लिया हमने K1, देन रेट कॉन्स्टेंट इज K1। दूसरी कंडीशन ले ली हमने, इफ टेम्परेचर इज T2 देन रेट कॉन्स्टेंट इज K2। कि हमने दो टेम्परेचर रेंज ली, एक T1 एक T2, तो उसके लिए दो ही रेट कॉन्स्टेंट आ गए, एक आ गया K1 एक आ गया K2। अब होता क्या है, अगर ऐसा हो जाए दैट T1 इज लेसर देन T2, टेम्परेचर 1 जो है वो टेम्परेचर 2 के कंपैरिजन में कम हो जाए, तो भैया डेफिनेटली K1 भी क्या हो जाएगा, K2 से कम हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी भी ऊपर रिलेशनशिप देखा दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट कॉन्स्टेंट। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट कॉन्स्टेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेट कॉन्स्टेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने दो टेम्परेचर माने तो उनके लिए दो रेट कॉन्स्टेंट आ गए। फिर हमने बोला कि अगर टेम्परेचर जो T1 है वो T2 से कम हो जाए तो उसके रेफरेंस वाला रेट कॉन्स्टेंट भी कम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो K1 क्या आ गया, K2 के कंपेरिजन में कम आ गया। अब अगर हम इन दोनों टेम्परेचर के लिए ऐसे अरहीनियस इक्वेशन लिखें तो वो अरहीनियस इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, इन दोनों टेम्परेचर रेंज के लिए अरहीनियस इक्वेशन लिखें तो वो अरहीनियस इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, K1 इज इक्वल्स टू LnA माइनस EA अपॉन RT1। ये इक्वेशन फर्स्ट थी कि टेम्परेचर 1 के लिए और रेट कांस्टेंट 1 के लिए, ऐसे ही क्या आ जाएगी रेट कांस्टेंट 2 के लिए, LnA माइनस EA अपॉन RT2। ये क्या आ गई अपने पास इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन फर्स्ट के लिए आ गई ये टेम्परेचर 1 के लिए इक्वेशन 1, टेम्परेचर 2 के लिए आ गई इक्वेशन 2। अब हम इसमें आगे फंक्शन लगा देते हैं कि हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को क्या कर दें, माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 को। तो देखो ये क्या आ गया, LnK2 माइनस LnK1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर अगर इनमें से माइनस करने लगे तो ये LnLn को तो क्या कर देगा, कैंसिल आउट ही कर देगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो जीरो ही आ गया। यहाँ इनमें क्या आ जाएगा, EA अपॉन RT2 माइनस, ऑलरेडी माइनस का निशान है यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस EA अपॉन RT1। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो log का जो हमने पहले फॉर्मूला लगाया वही रिपीट करेंगे, log m माइनस n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ये आ गया। और यहां से अगर इनका इफेक्ट देखें तो ये नेगेटिव वो क्या करेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले को लिख लेते हैं आगे और नेगेटिव वाले को लिख लेते हैं पीछे, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई अपनी यहां तक। अब हम EA अपॉन R, तो दोनों में कॉमन आ रहा है ये EA अपॉन R दोनों में कॉमन, इसको भी ले लेते हैं बाहर, K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2, ठीक है। ये इक्वेशन माइलस्टोन इक्वेशन होते हैं इसके लिए, जब हम दो से ज्यादा या दो टेम्परेचर के लिए अगर निकालें तो उसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अच्छा इसको आप फर्दर आगे सोल्व कर सकते हो, इसको कैसे सोल्व करोगे, यह आ जाएगा LnK2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन R, LCM ले दे तो क्या आ गया T1 T2,
ऊपर क्या जाएगा T2 माइनस T1। सब सबने कुछ नहीं करा, सिंपली इसका एलसीएम लिया और इक्वेशन आ गई ये। अब इस लॉग नेचुरल को लॉग में कन्वर्ट करें तो इधर करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई, उसको कैंसिल करने के लिए इधर डिवाइड में कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या आ गई अपनी, लॉग K2/K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, और क्या था T2 माइनस T1 T2। ठीक है, ये इक्वेशन होती है अरहीनियस इक्वेशन। वो भी अरहीनियस इक्वेशन थी पर वहां पे सिर्फ एक ही टेम्परेचर यूज हो रहा था, ये भी अरहीनियस इक्वेशन है, यहाँ पे टेम्परेचर दो यूज कर रहे हैं और दोनों के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट। अब देखो इसका अगर हम ग्राफ देखें, तो ग्राफ आ जाएगा लॉग के बीच में, हमने दो के बीच में ग्राफ देखना है, एक तो देखना है लॉग के बीच में और 1/टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, लॉग के बीच में और 1/टेम्परेचर के बीच में, तो यहाँ ग्राफ अपना जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, और यहाँ स्लोप होगा इसका, यहाँ स्लोप होगा ई ए अपॉन 2.303 R, नहीं माइनस ई ए अपॉन 2.303 R, ये अरहीनियस इक्वेशन। अच्छा, इससे रिलेटेड एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ कि हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर जब हम T1 ले रहे थे, ये अपना ग्राफ वगैरह और ये अरहीनियस इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब जो मैंने स्टेटमेंट सबसे इनिशियली यूज करी थी, चल नहीं पता तो एक बार रिवाइंड करके देखो कि हमने रेट कांस्टेंट के लिए और क्या स्टेटमेंट यूज करी थी। स्टेटमेंट क्या होती थी कि जब हम टेम्परेचर ले T1, तो ये T1 क्या आ गया, ये T आ गया, इस टेम्परेचर के लिए T मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर T1 मान लिया हमने, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या आ गया, ये K1 आ गया। खाली चलो इतना ऐसे नहीं करो, टेम्परेचर T1 था तो उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या था, K1 था। अब अगर हम टेम्परेचर माने T2, दूसरा टेम्परेचर, तो T2 के लिए रेट कांस्टेंट तो आएगा K2, लेकिन ये T2 क्या आएगा, अगर इसमें हम 10 डिग्री इंक्रीज कर दें, 10 डिग्री का क्या कर दें, राइज कर दें टेम्परेचर में, तो जो K2 आएगा यहाँ पे क्या आएगा, K2। तो इस K2 के लिए और K1 के लिए रिलेशनशिप क्या बनेगा, क्या बताया था कि वो ट्वाइस हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हमने कर दिया 2K1। ये भी रिलेशनशिप होता है जो हम यूज करते हैं, मतलब स्टेटमेंट ही होते हैं, उस स्टेटमेंट को मैंने इसे रिलेशनशिप में करके लिख दिया कि हमने टेम्परेचर माना T1, उसके लिए आया K1, हमने टेम्परेचर 2 लिया T2, तो वो T2 में हमने 10 डिग्री राइज कर दिया, तो 10 डिग्री राइज करने के बाद मैं उसको ऐसे भी लिख दूं दैट T1 प्लस 10 डिग्री। अच्छा, T2 के लिए रेट कांस्टेंट क्या आएगा, K2। अब 10 डिग्री राइज करने के बाद इस K1 K2 में क्या रिलेशनशिप आएगा, K2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1, यही स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में देखी थी। तो यहाँ हो गई अपनी अरहीनियस इक्वेशन कंप्लीट, क्या होती है, कैसे कैसे टर्म्स हम इनमें यूज करेंगे, कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, इनका ग्राफ क्या होगा, तो टेम्परेचर के लिए अरहीनियस इक्वेशन क्या आएगी, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशनशिप क्या होगा, दैट्स इट। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कि जब भी हम किसी रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो उस रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट रहेगा। आई नो सबको ये डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है कि वो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, ये कैटलिस्ट का काम होता है। चल थोड़ा सा ग्राफिकली इसका इफेक्ट देख लेते हैं, तो ग्राफिकली हम क्या बोल सकते हैं कैटलिस्ट के इफेक्ट के बारे में, कि हमने अपनी रिएक्शन ले ली है, इधर एनर्जी और इधर क्या आ गई, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, ऐसे ही आता है। अब अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए लें, तो इधर मान लिया रिएक्टेंट, ये मान लिया प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, ये आ गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी सबको पता रहेगा, पता होगा क्योंकि हम ये पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इनकेस अगर किसी को डाउट है तो एक बार वो चेक करो क्लास, उसमें देखो कि हमने एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या फिनोमेना बताया था। ये क्या हो जाएगी अपने पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये इतनी सी एनर्जी, ये इतनी सी एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब देखो एक्चुअली प्रोसेस क्या होगी कि जब हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे ना, तो इस कैटलिस्ट का काम होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज इज द
एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो कैटलिस्ट का काम रहेगा वो क्या रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देने का। अब अगर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा दैट मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी कम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करेगा। अब अगर एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो गई तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कम होते ही रेट कांस्टेंट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो गया, रेट इंक्रीज हो जाता है दैट मींस कम एक्टिवेशन एनर्जी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, वो जल्दी एग्जिस्ट करेगी वो रिएक्शन। तो देखो अगर मैं कैटलिस्ट के इफेक्ट वाला अगर ग्राफ दिखाऊं, कैटलिस्ट का इफेक्ट होने पे ग्राफ क्या आया, वो ग्राफ हो जाता है अपना कुछ इस तरीके से। तो इसने ये पीक डिक्रीज कर दी, इसने ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी के कंपैरिजन में ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। अब अगर कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करी दैट मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू अरहेनियस इक्वेशन। तो यहां मैं लिख दूं कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होते ही थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीज ड्यू टू अरहेनियस इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन की वजह से। चलो ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई तो दूसरा अगर हम रिलेशनशिप लगाएं थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी अरहेनियस इक्वेशन की वजह से, तो वो अरहेनियस इक्वेशन की वजह से क्या आएगा, ये तो लिख दिया ये, अब कर देंगे ड्यू टू अरहेनियस इक्वेशन वो होती थी के इज इक्वल्स टू ए ई की पार माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस ई माइनस ई ए अपॉन आर टी की वजह से अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाए तो अपना रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव के सिंबल की वजह से। तो ये सब ऐसा कुछ रिलेशनशिप रहता है। तो मेन हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, एज वेल एज रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इसको एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कैटलिस्ट का काम रहता है एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं इसी में, कोलिजन थ्योरी, ठीक है, कोलिजन थ्योरी के बारे में देखेंगे। अब देखो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेसिक स्टेटमेंट थी वो क्या थी, कि जब भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, मतलब उनके बीच में क्या होना जरूरी है, कोलिजन होना जरूरी है, यही होता था। अब जो कोलिजन होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, वो दो तरह के कोलिजन हो सकते हैं, ठीक है, दो तरह के कोलिजन होते हैं, हो सकते हैं नहीं होते हैं। पहला टाइप जो होता है वो होते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स, या फिर इनको बोला भी जाता है इम्प्रॉपर कोलिजन। दूसरा इनमें क्या बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर कोलिजन। तो दूसरा टाइप है कोलिजन होने का, वो क्या होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन, क्या होंगे वो, इफेक्टिव कोलिजन, या फिर उनको बोल सकते हैं प्रॉपर कोलिजन। दो तरह के कोलिजन हो सकते हैं। कोलिजन थ्योरी जब बोलती थी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, देन देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। पहला जो टाइप है वो होता है नॉन इफेक्टिव कोलिजन, जिनको इम्प्रॉपर कोलिजन भी बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है इफेक्टिव कोलिजन, जो प्रॉपर कोलिजन होते हैं। अब क्या डिफरेंस रहता है इनमें, देखो जो इम्प्रॉपर कोलिजन है ना, नॉन इफेक्टिव कोलिजन है, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है, इनकी वजह से कभी भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। और जो इफेक्टिव है, मतलब जिनका इफेक्ट बढ़ रहा है, वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। एक का काम रहेगा प्रोडक्ट फॉर्म करने का, एक का काम रहेगा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करने का। तो इस कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अरहेनियस इक्वेशन जैसी इक्वेशन दी गई है, और वो क्या थी, के इज इक्वल्स टू जेड ए बी एक्सपोनेंशियल टू द पावर
माइनस ई ए अपोन आर टी, ठीक है। ये कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अरहीनियस इक्वेशन जैसी इक्वेशन थी वो दी गई। हम वहां पे क्या लेते थे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिया है हमने, जेड ए बी। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, के रेट कॉन्स्टेंट, ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कॉन्स्टेंट और टी टेम्परेचर, लेकिन ये जेड ए बी क्या आ जाता है, ये होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या आएगा अपना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि कितने मॉलिक्यूल्स ना कितने कोलिजन ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये ए बी क्यों लिखा, हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, एम एन लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। वो ये मॉलिक्यूल थे कि हम जब रिएक्शन ले रहे थे उनमें तो दो तरह के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे थे, एक ए और एक बी। तो जेड ए बी क्या आ गया अपना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन taking place in A and B molecule। ए और बी मॉलिक्यूल में कितने कोलिजन टेक्स प्लेस कर रहे हैं, ये क्या होगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ कोलिजन। लास्ट एक डेफिनेशन होती है जो काफी बार यूज करी जाती है, वो क्या होती है डेफिनेशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। बुक में मिलेगी आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ साथ साथ समझना भी। दोज रिएक्शंस विच डू नॉट टेक्स प्लेस इन डार्क, ऐसी रिएक्शन जो डार्क में अंधेरे में एग्जिस्ट ना करे, लेकिन उनको एग्जिस्ट कराने के लिए सम काइंड ऑफ लाइट और रेडिएशन इज रिक्वायर्ड, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए कोई लाइट या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दोज रिएक्शंस विच डू नॉट टेक्स प्लेस इन डार्क बट प्रेजेंस ऑफ लाइट और एनी काइंड ऑफ रेडिएशन is required are known as photochemical reactions। उनको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और एक पॉइंट भी होता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है दैट मे और मे नॉट बी पॉजिटिव, सॉरी मे और मे नॉट बी नेगेटिव। डेल्टा जी फोर फोटोकेमिकल रिएक्शन मे और मे नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। ये होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हो गया कंप्लीट।